आजमगढ़ जिले से सोमवार को पहली उड़ान शुरू हो गई है। बता दें कि फ्लाइट लखनऊ के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के मंदुरई एयरपोर्ट पर 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया था। बता दें कि इस लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में मंदुरई एयरपोर्ट भी शामिल रहा। सुरक्षा को देखते हुए गेट के अंदर व बाहर भारी संख्या में जवान तैनात रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद निरहुआ ने बताया कि अभी यह उड़ान सिर्फ लखनऊ तक ही हो रही है, लेकिन आने वाले समय में देश के अंदर व देश के बाहर भी यहां से उड़ान शुरू होगी। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मंदुरई एयरपोर्ट आजमगढ़ की जनता के लिए हवाई यात्रा का एक सुगम व सुलभ व्यवस्था बनकर उभरेगा तथा आजमगढ़ सहित आसपास के कई जनपदों की जनता इस एयरपोर्ट से लाभान्वित होगी। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें एक कदम हम लोग और आगे आज बढ़ गए। प्रधानमंत्री जी का सपना यही है कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहरों से भी लोग बड़े बड़े शहरों से कनेक्टिविटी उनकी बन जाए और उनके बजट में ही उनको यात्रा करने को, हवाई यात्रा करने को मिले। तो आज जो ये पहली उड़ान शुरू हो रही है, सिर्फ 999 रुपये के टिकट पे यहाँ से लखनऊ के लिए आज हमारे जो यात्रीगण हैं वो उड़ान भर रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग चाहते भी थे कि एक बार शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली मुंबई और दुबई की उड़ान बाकी है और वो भी हम कराएंगे। और वो इसलिए हम लोग करा पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब कल बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कहा कि इसका जो विस्तारीकरण है उसको जल्दी से करवा के और जो बड़ी उड़ानें हैं वो भी शुरू करवाइए। हमने कहा जी बस आपके आशीर्वाद से अभी शुरू हो रहा है तो वो भी हो ही जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज ये लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हुई है, आने वाले दिनों में हमारा जो पहला काम है वो यही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनवा करके और यहाँ से मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दुबई के लिए जितनी भी फ्लाइटें हैं वो यहाँ से हम शुरू करवा सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितना महत्वपूर्ण साबित होगा एयरपोर्ट? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजमगढ़ की जनता को तो यही पता था कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट बना है जहां सिर्फ नेता लोग उतरते हैं अपना प्राइवेट प्लेन लेकर और यहां से उड़ जाते हैं। जनता के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, शुरू हो गया, तो ये जनता के बीच में भी बहुत खुशी की बात है और वो लोग भी इस बात को सराहना कर रहे हैं कि जिस एयरपोर्ट को सिर्फ नेता लोग अपने लिए बनाए थे उसको प्रधानमंत्री जी ने जनता के लिए समर्पित कर दिया। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।